फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फोस्टर अकेडमी। आई एम श्वेता पांचाल और आज फिर से हम वोकैबुलरी पोर्शन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने पार्ट वन डिस्कस किया था सिनोनिम्स का, और इसमें भी हम ये करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखते हैं। थोड़ा सा लेवल मीडियम रखा है वर्ड्स का। तो फर्स्ट वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। नीचा दिखाने का मतलब कि किसी व्यक्ति को ऐसा फील कराना कि हम सुपीरियर हैं और आप इन्फीरियर हो, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है अबेस वर्ड का, सिनोनिम्स देखते हैं कौन कौन से हैं, ह्यूमिलिएट एंड मॉर्टिफाई। और इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, अपमानित करना। तो नीचा दिखाना और अपमानित करना दोनों ही एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं। तो अबेस का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, ह्यूमिलिएट एंड मॉर्टिफाई दोनों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, मतलब करेज। और इसका सिनोनिम है नर्व। नर्व जो होता है, कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड याद आता होगा तंत्रिका, और एक और वर्ड याद आता होगा वेन, ठीक है, नर्व जिसको बोलते हैं। तो इसका साहस से क्या मतलब है, नर्व को एक पावर भी कहा जाता है, एक उत्साह, एक पावर की भी संज्ञा दी गई है। मतलब जब नर्व वर्ड का यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है ना नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होना, तो वो एक पावर ही होती है। पर जब हम नर्वस नहीं होते तो उसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी पावर जो कि हमें क्या देती, करेज, ठीक है। तो ऑडेसिटी का मतलब है नर्व, मतलब एक ऐसी ताकत जो हमें क्या देती है, साहस। डोंट थर्ड वर्ड है, डोंट। डोंट का मतलब होता है भयभीत करना, मतलब डराना। और इसका सिनोनिम है इंटिमिडेट। और इंटिमिडेट का जो मीनिंग है वो है धमकाना। तो डोंट का सिनोनिम क्या हुआ, इंटिमिडेट। फोर्थ वर्ड है कंटेंटस। कंटेंटस का मतलब होता है झगड़ालू। इसका मतलब विवादास्पद भी होता है, जहाँ पर विवाद उत्पन्न होते हैं वहाँ पर झगड़े की आशंका रहती ही है। तो ये इस किसी व्यक्ति के बारे में भी कहा जा सकता है कि ऐसा बिहेवियर होता है कंटेंटस। इसका सिनोनिम है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, यानी जो हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहता है। फिफ्थ वर्ड है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। सभी को पता है कि हर किसी धर्म में ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ रिचुअल, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है धार्मिक स्नान। तो इसका सिनोनिम है डुश। ये एक तरीके का, ये भी एक तरीके का धार्मिक स्नान ही कहा जाता है। और बेसिक वर्ड में बोला जाए तो वॉशिंग, ठीक है। तो एब्ल्यूशन का सिनोनिम है डुश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है प्रदूषित करना, मतलब पोल्यूट करना, थोड़ा इजी वर्ड में बोले तो। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट है टार्निश एंड सेकेंड है टेंट। इन दोनों का ही जो सेंस है वो कलंक या धब्बा, इस सेंस में होता है, ठीक है। पर डिफाइल के साथ हमने इसका प्रयोग कैसे किया है, पोल्यूशन की तरह, ठीक है, पोल्यूट करना, दूषित करना। तो टेंट, जैसे एयर में टेंट आ गया, यानी गंदी हो गई है एयर, ठीक है, तो उस सेंस में यूज़ किया गया, दूषित होने के सेंस में, टार्निश एंड टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमति देना, मतलब अपनी तरफ से मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और इसके सिनोनिम्स हैं कंसेंट एंड ग्रांट। कंसेंट का मतलब भी होता है एक्सेप्ट कर लेना, एंड ग्रांट का मतलब होता है, बेसिकली हम जो वर्ड देखते हैं वो होता है अनुदान के सेंस में, मतलब अलाउ करना। पर ग्रांट का मतलब सहमति देना भी होता है, मतलब अग्री करना। मेटिक्युलस, ये वर्ड ध्यान से देखिए, मेटिक्युलस का मतलब होता है सावधान, या फिर ये भी कहा जा सकता है लगन। बहुत बार हमने देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, और परफेक्ट काम के लिए वो छोटी छोटी सी गलतियाँ भी ढूंढते रहते हैं ताकि उनको ठीक किया जा सके। तो किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी प्रोसीजर के लिए, प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है स्क्रूपुलस, ठीक है। स्क्रूपुलस जो वर्ड है उसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, अपने काम को लेकर कर्तव्यनिष्ठ होना, पूरे मेहनत और लगन दिखाना, और छोटी छोटी कमियों को भी देखना ताकि परफेक्ट काम किया जा सके।
तो मेटिक्यूलस का जो सिनोनिम है वो क्या हुआ, स्क्रिपुलस. नेक्स्ट वर्ड है कैलो. कैलो का मतलब होता है नौसिखिया, जिसने काम अभी अभी सीखा है और वो सीख ही रहा है, उसके पास कोई प्रशिक्षण या कोई एक्सपीरियंस नहीं है. और इसके सिनोनिम्स में देखें तो टायरो एंड इमेच्योर. टायरो का मतलब भी ये होता है कि अभी अभी काम सीखा है, मतलब नौ सीखिया है, न्यू है बिल्कुल, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है. और इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अधूरा है वो, पूर्ण नहीं है. डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनत यानी लगन, मेहनती होना, ठीक है. तो डिलीजेंस मतलब मेहनत, हार्ड वर्क. और इसका सिनोनिम देखे तो मैचिकुलसनेस, ये जो वर्ड है मैचिकुलस, और यहीं से ये वर्ड बना है मैचिकुलसनेस. मैचिकुलसनेस का मतलब यही है कि अपने काम में बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होना. और कर्तव्यनिष्ठ होने का मतलब क्या है कि वो क्या होगा, हार्ड वर्किंग. तो फिर डिलीजेंस का सिनोनिम क्या हुआ, मैचिकुलसनेस. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं वीडियोस को. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियोस के लिए. थैंक यू फ्रेंड्स. अभी आने वाले कुछ वीडियोस में वोकैब के और सेक्शंस भी आएंगे, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह. अभी सिनोनिम्स चल रहे हैं, जोनिम्स आएंगे, और वोकैब पोर्शन पूरा, एरर करेक्शन, और इसके अलावा मे बी करंट अफेयर भी बहुत जल्दी अवेलेबल होगा. तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना